हेलो फ्रेंड, ये मूंग की दाल के डोसा बनाने जा रहे हैं आज। तो ये मूंग की दाल एक कटोरी है, इसको वॉश कर लिया था 3 बार पानी से अच्छी से, और फिर भगोनी में जिसमें वॉश किया था उसमें भिगा दिया था 4 घंटे के लिए। 4-5 घंटे में ही भीग जाती अच्छे से। फिर इसको पानी निकाल दिया था जो भिगाया था, और मिक्सी में पीस लिया था। तो ये देखिए, फिर जब पिस गई थी तो इसको 2 जगह डिवाइड कर लिया है। तो ये इसमें सब कुछ मिला के भी बनाएंगे, जो बिना स्टफिंग के होगा। ऐसे ही सर्व कर सकती हैं सॉस के साथ बच्चों के लिए कभी जल्दी अगर हो। और ये बाकी वो है जो डोसा बनाना है, तभी दिखाएंगे कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ये आलू हैं, 2 बॉईल करके मैश कर लिए हैं। ये प्याज, हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई, ये कड़ी पत्ता सुखा के रख लेते हैं गर्मियों में, तो वही यूज करते हैं। पंखे में सुखा लेते तो 2-3 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। ना भी डालना तो अपना डालना चाहे, अगर ताजे कड़ी पत्ते हैं तो और ही अच्छा। अभी ताजे थे नहीं हमारे पास तो हमने सोचा यही डाल दें। ये जीरा है, स्टफिंग में डालेंगे, अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालेंगे। इस दाल में नमक डाल दिया, इसमें डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार। स्टफिंग में नमक डालेंगे वो भी स्वाद के अनुसार डालेंगे। ये राई है, स्टफिंग में डालेंगे सबसे पहले राई, जीरा, कड़ी पत्ता और हींग। जब ये थोड़ा भुन जाएगा फिर प्याज डाल देंगे, हरा मिर्च डाल देंगे। जब ये थोड़ा भुन जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है किसी भी चीज को, फिर आलू डाल देंगे। आलू अच्छे से उसमें कम से कम 4-5 मिनट तक मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये सारा सामान हो गया। अब ये 2 तरह से बनाएंगे आज डोसे। केक में तो आपको स्टफिंग में कभी जल्दी अगर हो रही है बच्चों के लिए तो ना अभी स्टफिंग बनाए, उसमें सारा डाल दिया है। हरी मिर्च डाली है, हरी धनिया डाली है, थोड़ी प्याज डाली है और मटर डाल दी है थोड़ी सी, 8-10 दाने। ये फ्रेंड ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए डोसे के लिए, ऐसे बहुत पतला ना हो कि वो फैलाते ही ना बने तवे पे, बहुत गाढ़ा भी ना हो, नहीं तो मोटे मोटे बनेंगे फिर। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये 2 जगह कर लिया है घोल को, जो एक कटोरी था वो 2 जगह कर लिया है। अब शुरू करते हैं फ्रेंड बनाना। अगले स्टेप में मिलते हैं आप शो के।